हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक राइडर। सो फ्रेंड्स, स्टॉक एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम बात करेंगे अमर राजा बैटरीज लिमिटेड। मैंने बहुत बार इसकी वीडियो बनाई है और बहुत अच्छा स्टॉक है स्विंग ट्रेड के लिए। आज फिर से ये वीडियो बना रहा हूँ और आज इस स्टॉक ने ओपनिंग की है 765.50 पे और हाई भी लगाया 765.50 का, लो लगा दिया 721.85 का। सो 52 वीक का हाई है 1025, 52 वीक का लो है 665। क्वांटिटी आज ट्रेड हुई है 31,91,128, डिलीवरी क्वांटिटी 13,04,706, परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 40.89। amarraja.com ये है इस कंपनी की वेबसाइट। कंपनीज बहुत सारी हैं, अमर राजा बैटरीज, अमर राजा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, अमर राजा इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, अमर राजा पावर सिस्टम्स लिमिटेड, मंगल इंडस्ट्रीज, अमर राजा एंटरटेनमेंट, गाला फूड्स। आप एक बार विजिट कर सकते हैं इस वेबसाइट को जाके। और आज एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है इस कंपनी के बारे में, अमर राजा ग्रुप एंटर्स फोर्ब्स 500 बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी न्यूज़ कंपनी के लिए है, लेकिन स्टॉक तो नीचे जा रहा है। बात करेंगे मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप है 12,414 की, डेट है 92.3 करोड़ का, प्लेज परसेंटेज 0। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे लास्ट 3 क्वार्टर्स में, प्रमोटर्स की 28.06 से 28.06 कांस्टेंट है, एफआईआईज की 21.34 से 20.80 कम हुई है, डीआईआईज की 12.64 से 14.52। यहाँ पे अगर लास्ट 3 क्वार्टर की कंपेरिजन करें तो बड़ी है, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर की कंपैरिजन करें तो कम हुई है। गवर्नमेंट का स्टॉक 0 हो चुका है। पब्लिक यानी रिटेलर्स 37.96 से 36.59, यहाँ पे कम हुई है लास्ट 3 क्वार्टर में, लेकिन लास्ट 2 क्वार्टर में बात करें 34.60 से 36.59 बढ़ी है। ओवरऑल चार्ट पैटर्न सही है, बुरा नहीं है। तो यह है इस स्टॉक का वनडे का चार्ट, वनडे के चार्ट में RSI है 40, यह है 1 वीक का चार्ट, 1 वीक के चार्ट में RSI है 43, और यह है 1 आवर का चार्ट, 1 आवर के चार्ट में RSI है 15। तो डेली और वीकली चार्ट में RSI अच्छी है, लेकिन 1 आवर के चार्ट में तो RSI ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। तो अभी इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, जो लोग अभी ऊपर के लेवल पर इन्वेस्टेड हैं इन्वेस्ट रहिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो लोग फ्रेश एंट्री देख रहे हैं या फिर स्विंग ट्रेड के लिए, सेम जैसी मैं अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करता हूँ, 3-5% का प्रॉफिट देन एग्जिट, उस टाइप के लिए जो लोग फ्रेश एंट्री देख रहे हैं अभी करंट मार्केट प्राइस पर बाय कर सकते हैं। ऊपर के टारगेट्स होंगे 742, 760 और 790, ये 3 टारगेट्स हैं। और अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे आता है तो इसका नीचे का जो सपोर्ट होगा वो 713, और 713 में ब्रेक होता है तो नीचे आ जाएगा ये स्टॉक 691। तो ये दो इसी स्टॉक के सपोर्ट हैं, टारगेट्स मैंने आपको बता दिए हैं। सो फ्रेंड्स, इस स्टॉक को आप अपनी वॉचलिस्ट में ऐड करके रखिए। बाय करना है नहीं करना है वो आप पे डिपेंड है, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी इस स्टॉक की बेस्ट एनालिसिस। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई क्वेरी क्वेश्चन है वीडियो के कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए, जल्द से जल्द रिप्लाई कर दूंगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय फॉर नाउ।